हेलो मेरी ओपी सेना। आज की वीडियो थोड़ी हटके होगी। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कौन से रोल पे कौन सी गिमिक लगाने चाहिए। अब रुको रुको मेरा भाई, देखो इस ये वीडियो तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। तुम लोग सोचोगे ये वीडियो तुम्हारे बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली है, पर ये वीडियो बहुत तुम्हारे काम आने वाली है। क्यों? अगर ये काम नहीं आए ना, तो मैं खुला चैलेंज देता हूँ तुम लोग को, तुम लोग इस पर डिसलाइक कर सकते हो। और अगर ये तुम्हारी थोड़ी सी भी काम में आ गई ना, तो तुम्हें इस वीडियो को शेयर करना होगा और अपने दोस्त से बोलना होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यार तुम लोग को भी चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा। तो चलिए फिर बिना किसी बकवास के वीडियो को चालू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला रोल जो कि सबसे मेन होता है, स्पेस क्रू का बिल्कुल आम सा सीधा सीधा रोल भाई। इसको तो बस टास्क करो बस, और कोई इसको मतलब नहीं है। तुम इस पर एक टॉर्च गिमिक लगा सकते हो, कोड ऑफ कंडक्ट लगा सकते हो, वैसे तो ऊपर जंपी शूज लगा सकते हो, या कैन तो बिल्कुल भी मत लगाना भाई। और ना ये बम लगाना या ये लगाना, ये सब तो बेकार हैं, ये सब मत लगाना। खास करके स्पेस क्रू में तुम गिमिक लगा सकते हो, ये वाली रिमोट बटन वाली गिमिक बहुत बढ़िया है, तुम्हारे काम आएगी। बाकी तुम कैन वैन इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? बाकी कैन वैन मत लगाया करो स्पेस क्रू पे खासली। तो यहाँ पे हमारा सबसे मेन और सबसे मेन गिमिक मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अब तुम लोग को एक मन में सवाल होता होगा कि भाई स्पाई हैं तो जाहिर सी बात है जंपी शूज़ लगाना चाहिए। मैं भी लगाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर मैं तुम लोग को कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा तुम लोग जंपी बूट लगाओ। अब तुम लोग कहोगे भाई क्या पागल आगल हो गया क्या, मतलब जंपी शूज़ वो भी स्पाई पे ना लगाए, मतलब किसी के सामने मारे और भागे भी ना। हाँ भाई मत भागो, ठीक है मत भागो। पहली बात, इलेक्ट्रिसिटी में तुम किल करोगे, इलेक्ट्रिसिटी में अगर नहीं भी करते हो तो तुम्हें लगानी है अपना रिमोट बटन। अब तुम्हें कैसे, अगर तुम्हारे कोई पीछे आएगा तो वो तुम्हारे जंपी शूज़ लगा के भी पीछा कर लेगा, पर अगर तुम्हारे पर रिमोट बटन है तो तुम मीटिंग बुला सकते हो और तुम्हारा कलर बदला हुआ होगा तो जाहिर सी बात है, और तुम्हें फिर मीटिंग बुला के कुछ ऐसा बोलना होगा, ऐसा पॉइंट बोलना होगा ना कि लगे कि हाँ भाई तुम तो सेफ हो, तुम तो मतलब सेफ़ हो और तुमने मीटिंग इसलिए नहीं बुलाई। और तुम लोग कह रहे भाई मुझे क्या पता था कि स्पाई है, बस वह बहुत बढ़िया रोल है भाई, बहुत बढ़िया गेमिंग है। तो फिर बढ़ते हैं अपने अगले रोल पे। अब अगला रोल भी हमारा कुछ इम्पोस्टर का ही है। देखो इम्पोस्टर है तो जाहिर सी बात है एक ही लगाओ चंपी शूज़ में, पपीटियर पे भी मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम रिमोट बटन लगाओ या फिर टॉर्च तो भाई इम्पोस्टर पे तो कुछ बंदे टॉर्च लगा के आते हैं, मतलब सीरियसली टॉर्च। और कोड ऑफ कंडक्ट तुम पपीटियर में मत लगाया करो, क्यों? क्योंकि यार ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं तुम्हारे पास मिडवे हो, क्योंकि विजुअल टास्क होंगे जब ही तो तुम दिखा पाओगे। अब क्या ही दिखाओगे भाई, टास्क थोड़ी ना करोगे इम्पोस्टर बन के, तो ये सब मत निकालना। हाँ तुम ये भी लगा सकते हो, पर अगर तुम्हारा इसका लेवल ज़्यादा है, मेरा तो 3 है, तुम्हारा अगर 9 या 10 है तो तुम ये लगा किसी को फंसा के कंट्रोल करके तो कर सकते हो, किसी को शक भी नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले रोल पे। अब ये हमारा स्पेस क्रू की तरह ही सिंपल सा रोल इम्पोस्टर का, ये भी भाई सिंपल चाहिए, इसे बस मारो बैंड करो भाग करो बस। इस पर भी तुम जंपी शूज लगा सकते हो। बाकी इस पर यार कुछ बंदों को मैंने सीरियसली बताऊँ तो कैन लगाते हुए देखा है भाई, कैन मतलब क्यों भाई, कैन इस इम्पोस्टर पे क्यों ही लगा रहे हो? तुम्हारा इसका कोई कूल डाउन ही नहीं है, खाली काउंट डाउन होता है, कूल डाउन फिर होता ही नहीं है भाई। और अगला हमारा रोल है न्यूट्रल पे। न्यूट्रल पे भाई देखो हमेशा याद रखो, न्यूट्रल पे जब तुम इसको तेल लगाने की कोशिश करते हो ना, तो अगर लाइट भी बंद हो ना तो लाइट अपने आप मतलब जल जाती है, पता चल जाता है तुम्हारे आसपास कौन है, तो लाइट लगा के आने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी तुम मीटिंग लगा सकते हो, क्योंकि अगर तुम किसी को मान लो अगर कोने में तेल लगा रहे हो और अगर वो पीछे मुड़ के आने लगे तो तुम फ़ौरन मीटिंग बुला सकते हो ताकि तुम मरो ना, तो इससे बहुत बढ़िया है। शेरिफ से भी बच सकते हो तुम मीटिंग से और इम्पोस्टर से भी। बाकी रही बात जंपिंग शूज़ की, जंपिंग शूज़ 800 ने इसमें जब लगाओ जब तुम्हारे पे लेवल थोड़े ज़्यादा हो, अगर लेवल कम हो तो इस पर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम वैसे भी मार दिए जाओगे। तो अगर लेवल ज़्यादा हो जंपिंग शूज़ का तो लगा लेना, बाकी मीटिंग इज़ द बेस्ट, ठीक है? बाकी ही ये टाच वाच मत लगाना। अब अपने वो रोल के बारे में जो मतलब देख के ही लग जाता है कि भाई ये तो मतलब खतरनाक रोल है, और ये वाकई में खतरनाक है भाई, इम्पोस्टर ना मार पाए इनसे, ठीक है? और इस पर अगर गिमिक की बात करूँ तो भाई रिमोट बटन इज़ बेस्ट, ठीक है? रिमोट बटन बेस्ट है, रिमोट बटन के अलावा कोई छूना ही मत। बाकी जंपी शूज़ तुम लगा सकते हो, पर अगर तुम्हें लगे कि हाँ गेम में स्पाई हो सकता है तो तुम लगा सकते हो, पर मेरी ये वीडियो देखने के बाद शायद ही कोई अब स्पाई जंपी शूज़ लगाए,
बाकी तुम, मैं यही कहूँगा तुम अपना रिमोट बटन ही लगा के आओ, बाकी और कोई और कोड ऑफ कंडक्ट तो लगाना ही मत। तुम वैसे ही टास्क नहीं करते हो, तुम एक्स्ट्रा टास्क कहाँ से करोगे जब तुम अपने खुद के टास्क नहीं करते हो। भाई मेरा पूरा टाइम तो मतलब इसी में निकल जाता है कि इम्पोस्टर कौन है। बढ़ते हैं अपने अगले रोल की तरफ। भाई अगर मैं तुम्हें अपने मतलब अपना गेमिंग एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो भाई मैं तुमसे यही कहूँगा कि कंजूरर में ना तुम कोड ऑफ कंडक्ट लगा के जाओ, क्योंकि मैंने जितनी बार कोड ऑफ कंडक्ट लगा के गया हूँ खास करके कंजूरर में, मेरे को 95% मेरे को मिडवे या ऐसा विजुअल टास्क मिला ही मिला है, बाकी कुछ में नहीं मिला है। बाकी 5% में तो नहीं मिला है, पर बाकी 95% में मेरे को मिडवे मिला ही मिला है यार। तो कंजूरर में ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि तुम वो कर लो। और भाई ये चाबी आबी तो बिल्कुल भी मत लगाना, खास करके किसी भी इम्पोस्टर में चाबी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गेट ही तुम बंद करोगे तो भाई तुम खोल के क्या करोगे, डॉक्टर के लिए खोलोगे क्या। बाकी अब बढ़ते हैं अपने अगले रोल पे। ओके हाँ, तो अगला हमारा रोल है न्यूट्रल का, और इस पे भी मैं यही कहूँगा कि तुम लोग फ्लैश लाइट लगा के मत आना, जंपी शूज़ ही लगा के आना। बाकी जंपी शूज़ ही बेस्ट है तुम्हारे लिए, क्योंकि पहली बात तो इसका 35 सेकंड का कूल डाउन होता है। अगर इम्पोस्टर तुम्हारे पीछे लगे ना तो तुम्हें बहुत मदद मिलेगी जंपी शूज़ से। और यार तुम लोग को नहीं लगता कि 35-45 सेकंड का कूल डाउन 35 सेकंड का कम कर देना चाहिए इन सुपर सद वालों को? थोड़ा तो मतलब कम करें यार। तो बढ़ते हैं फिर अगले रोल पे। तो हमारा अगला रोल भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि यार देखो ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये भी किसी को कंट्रोल करके या पिनो बना के कर लेगा, ये भी देखो बिल्कुल वैसी है, स्कैन करता है, इसको भी अंधेरे में अगर तुम जैसी अपनी विजुअल टास्क मतलब जो तुम्हारी पावर है वो यूज़ करोगे तो पता चल जाएगा तुम्हें कि तुम्हारे आसपास कौन है। तो इस पर भी तुम्हें फ्लैश लाइट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी तुम इस पर एनर्जी ड्रिंक लगा सकते हो। बाकी तुम अगर मैं तुम्हें सजेस्ट करूँ ना तो भाई मीटिंग बॉक्स ही लगाओ, क्योंकि जैसे ही तुमने उन्हें किसी को स्कैन करा और वो इम्पोस्टर निकला तुम फ़ौरन मीटिंग बुला सकते हो। अगर ऐसा नहीं करवाए तो जब तक तुम जाओगे ना मीटिंग के पास वो तुम्हें ऊपर पहुँचा देगा, अगली लॉबी में पहुँचा देगा वो। तो फिर बढ़ते हैं अपने अगले रोल की तरफ। Yes, definitely. बाकी अपना रोल भाई एक टाइम पे मेरा बहुत मतलब अच्छा लगता था मेरे को, पर जब मेरे को लगा कि भैया इस पे तो बिल्कुल भी किल ही नहीं कर सकते हैं जब तक अपना टीममेट ना मरे। मैं जो पहले नूब आते थे तो टीममेट ऐसे ही निकल जाते थे तो मेरे को ज़्यादा किल करने को मिल जाता था, पर अब थोड़ा ठीक आते हैं लोग भी ठीक आते हैं। तो मैं तो भाई इस पे यही कहूँगा कि तुम जंपी शूज़ की जगह एनर्जी ड्रिंक लगाओ, क्योंकि तुम्हें जेनिटल में ज़्यादा भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि भागोगे जब ना जब बॉडी होगी, और जब बॉडी नहीं होगी तो भागने की ज़रूरत क्या है। नॉर्मल देखो ना भाई, नॉर्मल देखो तो इतनी भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खास करके जेनिटल में। तो तुम लोग कुकू लगा सकते हो अपना एनर्जी ड्रिंक। तो बढ़ते हैं फिर अपने अगले रोल की तरफ जो कि न्यूट्रल है, और ये बेस्ट रोल है भाई, रैंक पुश के लिए बहुत बढ़िया रोल है। और तुम्हें अगर रैंक पुश के लिए वीडियो चाहिए ना, जो कि मैंने अपनी दो आइडियो में मिथिकल क्रोली करी थी, और अगर मैं चाहता तो तीसरी पे भी कर लेता, अगर तुम्हें उस पर रैंक पुश पे वीडियो चाहिए तो कमेंट पे ज़रूर बताना। बाकी इस रोल में अगर मैं गेमिंग की बात करूँ तो भाई ये भी कुछ ऐसी है और सुन इसकी तरह, तुम इसमें जंपी बूस्ट की जगह तुम इसमें मीटिंग लगा सकते हो। अगर कोई इम्पोस्टर मारने आए या कुछ आए तो तुम मीटिंग बुला सकते हो। कोड ऑफ कंडक्ट तो बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि टास्क क्या ही करोगे भाई, टास्क क्या ही करोगे। और तुमने अगर किसी को मल भी कहता तो तुम्हें दिक्कत भी नहीं होगी स्पेस क्रू पर, फिर भी स्पेस क्रू कभी कभी निकाल देती हैं, पता नहीं क्यों निकालते हैं, पता नहीं क्यों क्या समझते हैं अपने आप को स्पेस क्रू पर, उनको छोड़ो। बाकी इस पर तुम अगर सर्वाइवल पे गिमिक मैं बताऊँ तो तुम लोग यही लगा लेना। बाकी तुम इस पर जंपी शूज़ भी लगा सकते हो, तुम्हारी चॉइस है, इस दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। बाकी बेस्ट यही है अपना रिमोट बटन, और तीसरा भाई अपना वेटरन, ये तो भाई एक बार तो मैंने मतलब क्या ही स्किल करे थे। खैर वो सब छोड़ो, बाकी अगर मैं गेमिंग की बात करूँ ना तो भाई कैन लगा लो भाई, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें और किसी चीज़ की, कैन लगा लो फौरन, अपना खोल करो जो तुम्हारे पास आए, शील्ड खोल दो, मार दो, ख़त्म भाई करियर ख़त्म, उसका करियर ख़त्म भाई। तो फिर बढ़ते हैं फिर अपने अगले रोल की तरफ। ओके और भाई इंसानों की तो बहुत बात हो ली, अब बात करते हैं रोबोट की। तो अगर मैं इसकी बात करूँ फ्लैशबैक की, तो फ्लैशबैक के भाई देखो लगा लो अपना जंपी बूस्ट, इससे बेस्ट इसमें मेरे को कोई सुझाव नहीं दिया ये कौन सा लगाना चाहिए, तो जंपी बूस्ट ही लगा लो। आगे बढ़ते हैं अपने अगले रोल की तरफ।
Yes, definitely. तो ये है वो रोल जिसका आप लोगों को इंतजार था भाई। इसमें मतलब गिमिक लगाओ मत लगाओ या रिमूव भी कर दोगे ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा तुम्हें, मतलब फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई। गिमिक लगाओ न लगाओ, क्यों? क्योंकि अब तो ये बैंड कर सकता है, अब तो ये बैंड कर सकता है भाई। इसमें गिमिक लगाओ मत लगाओ कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग को लगाना तो मीटिंग लगा लो, बार बार स्पेस गुरु को परेशान करने के लिए बुलाते रहो, क्या दिक्कत है? तो इसका तो काम ही है भाई परेशान करना। बाकी मेरे तो एक फेवरेट रोल में से, अगर न्यूट्रल में बोलूँ तो भाई मेरा जोकर मेरा फेवरेट रोल है न्यूट्रल में से। बाकी यार मज़ा आता है यार जोकर से खेलने में, बहुत मज़ा आता है। तो फिर बढ़ते अपने अगले रोल की तरफ। और अगर यहाँ पे बात हो रही है रोल की, तो भाई रोल की बात हो रही है, और रोल में शेरिफ ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? मसीहा भाई, मतलब पूरी लॉबी का मसीहा है यार ये शेरिफ। शेरिफ ना हो तो भाई मतलब कुछ लोग तो भाई बुद्धू काट देते हैं शेरिफ बन के इम्पोस्टर लोग। बाकी अगर असली शेरिफ बिल्कुल प्रो हो ना तो भाई नहीं बच सकते, फिर तो इम्पोस्टर गए और स्पेस क्रू चीर गए। और इस पर गिमिक की बात करूँ ना भाई, जंपी शूज़ के अलावा कोई गिमिक लगाओ मत भाई, कोई गिमिक मत लगाओ, क्योंकि शेरिफ की सबसे तेज़ कूल डाउन हो जाता है तो तुम्हें एनर्जी ड्रिंक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे तेज़ अगर कूल डाउन होता है तो वो एक डॉक्टर और एक शेरिफ का, सभी से तेज़ होता है भाई, तो शेरिफ का लगाओ, बाकी तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें कूल डाउन की, ठीक है? बाकी यार अपना जंपी बूट लगाओ, क्या मज़ा आता है यार इससे खेलने में भाई। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले रोल की तरफ, जो कि कुछ खास है। अब कुछ लोग तो समझ गए होंगे कि खास रोल में किसकी बात कर रहा था। हाँ भाई, टाइम मास्टर अपना खास रोल, जहाँ शेरिफ का जल्दी कूल डाउन होता है वहाँ इसका एक घंटा लग जाता है कूल डाउन होने में। मतलब एक घंटा, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, मतलब बहुत टाइम लग जाता है। सबसे ज़्यादा कूल डाउन अगर लेट किसी का होता तो वो इसी का होता है, एक टास्क कर लो फिर भी होता है। तो मैं अगर गिमिक बताऊँ तो दो हैं यहाँ पे। पहले तुम एनर्जी ड्रिंक लगा सकते हो, या फिर अगर तुम्हें ठीक है, तुम्हें मरने से किसी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो तुम अपना गिमिक लगा सकते हो मीटिंग रिमोट बटन। तो ठीक है यार, अगर तुम्हें मरने से फ़र्क नहीं पड़ता किसी के, कोई मरे तो मरे हमें क्या, तो तुम रिमोट बटन लगा सकते हो। अगर तुम मसीहा बनना चाहते हो शेरिफ की तरह, तो तुम अपना ये एनर्जी ड्रिंक लगा सकते हो। तो फिर बढ़ते हैं अपने अगले रोल की तरफ। तो अगला रोल है हमारा एजेंट का। वैसे तो मेरे को ये कुछ खास मतलब पसंद नहीं है, क्योंकि ये सर्वाइवल से कम नहीं है। इसका भी भाई है वही है भाई, टास्क करो, एक इम्पोस्टर मिल गया मिल गया, वरना ये न्यूट्रल पे मार कर देगा। या तो भाई तू इम्पोस्टर पे ही लगा, न्यूट्रल पे मत लगा, ठीक है? तो मेरे को ये कुछ खास रोल नहीं है। बल्कि गेमिंग की बात करूँ तो भाई रिमोट बटन ही लगाओ, क्योंकि एक एरो अगर तुम्हारे पे आता है ना तो एक एरो उसके पे भी आएगा जिस पे तुम जाने वाले हो, तो वो तुम्हें कोने में ले जाके मार सकता है। तो जैसे ही देखो रिमोट बटन से मीटिंग बुला लो। तो अगर इसके मैं गिमिक की बात करूं तो भाई तुम लोग रिमोट बटन लगा सकते हो, जो कि बेस्ट है। इसके अलावा कोई गिमिक लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बाकी तुम रिमोट बटन ही लगा सकते हो। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले रोल पर। तो यहाँ हमारा अगला रोल कुछ ऐसा है जो कि वेंड भी कर सकता है और फिक्स भी कर सकता है, स्पेस क्रू का साथ भी दे सकता है, पर फिर भी कुछ लोग इसे निकाल देते हैं क्योंकि इसने वेंड करा है। क्यों यार, क्यों बेचारे को निकाल लो अपना इंजीनियर? ऐसे अगर इसकी गिमिक की बात करी जाए तो देखो, अगर रही भागने की तो तुम्हें जंपिंग शूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो तुम इसमें मीटिंग लगा सकते हो। और रही इसकी कूल डाउन की, तो भाई कूल डाउन क्या ही करोगे भाई, क्या ही इसका कूल डाउन होता है भाई, खाली दो बार ही होता है फिर से हो जाता है, और तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी कि मतलब कैन लगाने की। तो अगर गिमिक की बात करी जाए तो तुम मीटिंग बॉक्स लगा ही लगाओ, और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस अब फिर बढ़ते हैं अगले रोल की तरफ। सही पकड़े हैं। तो भाई अब अपना अगला रोल भाई है जिसको आपको इंतज़ार था, बना ब्लैक जैक। भाई मैं तो भाई यही कहूँगा कि तुम इसमें गिमिक लगाओ या मत लगाओ, जोकर की तरह ही है भाई, रिमूव कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि तुम मीटिंग के बाहर मारो, तुम मीटिंग में भी मार सकते हो भाई, तुम मीटिंग में भी मार सकते हो। तो तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी कि तुम मतलब वहाँ कोई कैफेटेरिया या फिर वहाँ मारो, तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी बहुत बढ़िया रोल है भाई, बहुत ही। तुम लोग भी अगर ये रोल नहीं खोला तो खोल लो। आगे बढ़ते हैं फिर अपने अगले रोल की तरफ। तो ये है अपना सबसे डरावना रोल। अब तुम लोग सोचते हो कि भाई डरावना क्या, इसके तो भाई डॉक्टर है ये, डरावना क्यों कह रहा है? भाई सही बताओ ना,
तो मैं अगर इम्पोस्टर बनता हूँ ना तो मेरे को सबसे ज़्यादा डर लगता है डॉक्टर से। मैं अगर लाइट बंद करी ना तो जैसी लाइट फिक्स हुई मैं भाई गेट बंद करता हूँ, पहले कैफेटेरिया का फिर बंद करता हूँ मिडवे का, क्योंकि भाई मेरे को बहुत डर लगता है। और भाई इसकी अगर गिमिक की बात करी जाए तो तुम इस पर मीटिंग लगाओ, ठीक है, मीटिंग लगाओ, और मीटिंग के अलावा तुम इसमें की भी लगा सकते हो, ठीक है, वरना तुम ये भी लगा सकते हो वेलकम मैट, ठीक है, तुम इस पर मिडवे में रख के करके कर सकते हो, अगर कोई आएगा तो शायद से फंस जाए, बाकी नहीं फंसा कोई बात नहीं, बाकी तुम की लगा सकते हो, और की से भी मेन तुम इसमें गिमिक लगा सकते हो रिमोट बटन, जो कि ये दोनों बहुत मेन है भाई। की इसलिए क्योंकि गेट बंद हो जाता है तो तुम बॉडी मिली तो तुम फौरन खोल सकते हो, और रही बात इसकी रिमोट बटन की, जैसे रिवाइव करा रिमोट बटन से मीटिंग बुला लो वैसी। तो बढ़ते हैं फिर अपने अगले रोल की तरफ, और हमारा अगला रोल मेयर है, MAYOR मेयर, ठीक है। अगर इसकी बात करो तो भाई ये तो मीटिंग के राजा हैं, ठीक है, और मीटिंग के राजा हैं तो जाहिर सी बात है मीटिंग ही लगाओ ना, मीटिंग के राजा पे मीटिंग ही लगाओ। तो फिर बढ़ते हैं अपने अगले रोल की तरफ, तो ये रहा अपना गार्डियन। इसको बहुत से लोग इग्नोर करेंगे, पर भाई इग्नोर करने से पहले एक बात सुन लो, अगर तुम गार्डियन हो ना तो इसकी गेमिंग बहुत मायने रखती है। क्यों? क्योंकि तुम ज़्यादातर शील्ड अपनी डॉक्टर को ही देते हो, ऐसा ही है ना, तुम डॉक्टर ही को तो देते हो अपनी ज़्यादा शील्ड। तो मैं अगर तुम्हें सजेस्ट करूँ तो मैं दो चीज़ें करूँगा, पहला की तुम की लगा सकते हो, क्योंकि भाई बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर जैसे ही तुम डॉक्टर के साथ ही रहोगे उसको शील्ड देने के बाद, तो जैसे ही दरवाज़ा बंद हो तुम खोल सकते हो। और रही बात दूसरी की, वो दूसरी हमारी होगी अपनी गेमिंग रिमोट बटन, जो कि यार ये दोनों बहुत मेन है, तो तुम अगर गार्डियन बनो तो तुम ये दोनों में से लगा सकते हो, पर मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगा तुम की लगाओ, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं अपने अगले रोल की तरफ, बात तो सही है। तो हमारा अगला रोल वही मीटिंग का राजा, तो मीटिंग का राजा है भाई मीटिंग ही रखो ना, क्या दिक्कत है, मीटिंग का राजा है तो मीटिंग ही रखो। तो इस पर तुम रिमोट बटन लगा सकते हो, बाकी अगर मैं दूसरा बात करूँ तो तुम इस पर जंपी शूज लगा सकते हो, अगर कोई तुम्हारा पीछा करे तो तुम पीछे करके बहुत तेज भाग सकते हो, बाकी ठीक है। वो अगले फिर बढ़ते हैं अपने अगले रोल की तरफ, क्या बोल रहा हूँ मैं, ओके। और अगर मैं रोल के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं इससे कैसे भूल सकता हूँ भाई, ये तो मेरा फेवरेट रोल है, और बल्कि मैंने पहली बार किसी को जंपी बूस लगा के मारा था तो वो अंडरटेकर से ही मारा था यार, मतलब अंडरटेकर से खेलने का लेवल एक अलग ही है भाई, अलग ही लेवल है। बाकी अगर इसकी गेमिंग की बात करी जाए तो सिंपल सी बात है यार, अपनी जंपी बूस लगाओ भाई, बहुत मज़ा आता है जंपी बूस लगा के अंडरटेकर से मारने में। खैर आप लोग को आता नहीं आता मेरे को नहीं पता, पर आप लोग को ठीक है भाई, मेरे को बहुत मजा आता है। बाकी बढ़ते हैं अपने अगले रोल पे, तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। बाकी अपना सबसे तेज वाला रोल बाउंटी हंटर भाई, फास्ट एंड फ्यूरियस, इस पे 2 बन सकती है, मेरे को कोई तैरानी नहीं होगी भाई, बहुत जल्दी जल्दी मार देता भाई ये। तो इस पे अगर तुम गेमिंग की बात करूँ तो तुम इस पे जंपी शूज ही लगाओ भाई, जंपी शूज ही तुम्हारे लिए बेस्ट है इस पे। तो बढ़ते हैं फिर अपने अगले रोल, तो हमारा अगला रोल है भाई ट्रैपर। देखो ट्रैपर पे तुम वैसे तो सकाओ पतलगाओ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा काम इतना ही होता है मरना होता है, बाकी एक इम्पोजर पकड़ के वेट करना होता है, बाकी तुम इस पे लगा सकते हो कुछ भी लगा सकते हो तुम्हारी मर्जी, ओके। और ये अपना मैं इसे कहाँ का राजा बोलूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये मीटिंग का भी बादशाह है और ये नीचे का भी बादशाह है, क्योंकि जैसे ये मीटिंग बुलाता है ना भाई, एक ना एक तो कोई टपका हुआ होता है, ठीक है, तो अगर वार्डन मीटिंग बुलाता है ना तो भाई एक ना एक टपका होता है, तो तुम इस पर यही रिमोट बटन लगाओ, और बाकी तुम जब भी पूछ भी लगा सकते हो, पर रिमोट बटन इज़ बेस्ट। बाकी बढ़ते हैं अपने अगले रोल पे, बात सही है। तो मैं इस पे तुम्हें एक टिप्स देना चाहूँगा, देखो इस पे तुम लगा सकते हो जंपी बूस्ट, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बंद हो ना तो तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी के एकदम कॉर्नर पे खड़े हो जाना है, कॉर्नर पे खड़े होने के बाद जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कोई फिक्स करे ना उस पे जंपी शूज लगा के तेज़ भाग जाना है। अब अगर जैसे ही मीटिंग बुला दी तो हो सकता है तुम्हें निकाल भी सकते हैं या नहीं भी, या फिर इलेक्ट्रिकल में हो तो तुम्हें ज़्यादा चांस रहेगा कि तुम मर जाओ। बाकी फिर बढ़ते हैं अपने अगले रोल को, ओके। बाकी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे, वीडियो देख के अगर बस थोड़ी सी एक चीज़ एक रोल खोलेंगे अभी। बाकी वीडियो अगर तुम लोग को अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक भी कर देना, बाकी यार छह अपने दोस्तों को मेरी वीडियो शेयर करना मत भूलना,
बाकी अब रोल खोल लेते हैं, जो अपना नया रोल आया था उस पर तुम अगर मैं बात करूँ तो भाई तुम जंपी बूस मत लगाना, क्योंकि जैसे ही तुम जंपी बूस उस पर लगाओगे वैसे तुम दिख जाओगे, और जैसे ही वेंट में जाओगे वैसे दिख जाओगे। बाकी अभी मैंने उसको खेला ही नहीं है तो मैं उस पर बता नहीं सकता। बाकी उस पर रोल खोल के देख लेते हैं। हाँ मैं निंजा रोल की बात कर रहा हूँ, तो उसे खोल के देख लेते हैं पहले। लाइफ एंड डेथ बैलेंस। It is an honor.